Okay, let's continue. Question number 4 में आ रहे हैं. Question 4, page 27. Quick comp is a successful version of a software package that is widely used. Faster comp is the next version for which the development is complete and it is ready to be sold immediately in the market as budgeted. However, for faster comp, user manuals, training modules, and diskettes have not yet been made. Whereas for the quick comp version, these are overstocked by 5,000 units. ठीक है? मतलब quick comp एक पुराना version था, उसका 5,000 unit बचा हुआ है. क्या बचा हुआ है? उसका user manual, training module, disk वगैरह 5,000 module बचा हुआ है. Faster comp in mid ready हो चुका है. उसका यूजर मैनुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह अभी तक रेडी नहीं हुआ, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गए. रिलीज ऑफ फास्टर कॉम विल रेंडर द क्विक कॉम वर्जन नॉट सेलेबल. ठीक है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. क्विक कॉम फास्टर कॉम का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कंसिस्टिंग ऑफ यूजर मैनुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड डिस्केट से 1,000 और 4,000, जिसमें क्विक कॉम का बना हुआ है, फास्टर कॉम का अभी तक बना नहीं है. ये बना हुआ है मतलब ये क्या है, संक है. भले ही वेरिएबल कॉस्ट है तो क्या हुआ, खाली वेरिएबल कॉस्ट बोल देने से वो रेलिवेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है. अगर वो ऑलरेडी लगा हुआ है तो संक ही है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट कॉस्ट पर यूनिट. डेवलपमेंट कॉस्ट पर यूनिट, डेवलपमेंट कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों का ही लगा हुआ होगा, ये आपको समझ में आता है क्या? बिकॉज बिना डेवलपमेंट के तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा. दोनों का ही लगा हुआ है. ओके, तो ये भी संक है, ये भी संक है. क्यों संक है बोलो? क्योंकि बिना डेवलपमेंट के प्रोडक्ट बाहर आएगा नहीं. प्रोडक्ट आ चुका है तो डेवलपमेंट कॉस्ट तो पुराने ही है, अमोर्टाइज किए जा रहे होंगे. सो ये क्या हो रहा है, ये अमोर्टाइज कॉस्ट है. देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट स्प्रेड ओवर द एक्सपेक्टेड सेल्स क्वांटिटी ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल. सो इट इज अ पास्ट कॉस्ट विच इज बींग अमोर्टाइज ओवर फ्यूचर. नाउ मेनी टाइम्स वी हैव अ नोशन टू अंडरस्टैंड दिस वे दैट सम कॉस्ट नीड्स टू बी सेम इन बोथ द ऑप्शन, बट इट्स नॉट. हम लोग का आदत होता है इरेलीवेंट कॉस्ट दोनों में सेम है, बट ये सेम नहीं है. क्यों सही है, क्यों सेम नहीं है, आप मुझे समझा सकते हैं? ये सेम क्यों नहीं है? देखिए, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं है जितना क्विक कॉम में लगा होगा उतना फास्टर कॉम में लगा होगा. हम लोग पकड़ रहे उसका टाइम लाइन को, क्या वो लग चुका है कि लगने वाला है. क्विक कॉम का भी लग चुका है, फास्टर कॉम का भी लग चुका है, तो अमाउंट पर यूनिट पे डिफरेंट हो रहा, उससे उसका रेलिवेंसी नहीं है. रेलिवेंसी रेलिवेंसी एक पैरामीटर पे, वो है कि लग चुका है कि लगने वाला है. पॉइंट इज दोनों ही लग चुके हैं. रियल सब्सटेंस को जाके देखिए, कॉस्ट का सब्सटेंस क्या, लग चुका है कि लगने वाला है. और लगने वाला है तो कमिटेड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लगने वाला है तो वो हमेशा रेलिवेंट ही होगा. किसी भी कीमत पे लगेगा ही तब वो इरेलीवेंट हो जाएगा. सो हम लोग कैसे जज कर रहे हैं रेलिवेंट इरेलीवेंट? हम लोग बोल रहे हैं कि सिंस ये कॉस्ट पुराना है, लग के आया है, अब फ्यूचर में हमें जो डिसीजन लेना है उसमें फ्यूचर कॉस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, पुराना को इन्वॉल्व करके क्या फायदा है. फिर मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या लिखा है, देखो, फिक्स्ड बजटेड एनुअल आउटफ्लो. इसका क्या मतलब हुआ,
फिक्स बजटेड एनुअल आउटफ्लो का क्या मतलब हुआ? कुछ भी कर लो लगेगा ही लगेगा, तो ये कमिटेड है, डिवाइड बाई आप जो भी करिए और रेट चाहे जो भी निकालिए उससे मतलब नहीं, हमें रेट से डिसीजन नहीं लेना होता है रेलिवेंट है कि रेलिवेंट है, हमें कॉस्ट का सब्सटेंस को पकड़ना है। ये क्या नेचर है? फिक्स्ड बजटेड एनुअल आउटफ्लो, तो दिस इज इंडिकेटिंग ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट है। अब पर यूनिट पे अलग हो रहा है तो हम क्या करें, यूनिट्स दोनों का सेम है कोई जरूरी नहीं है, बट कॉस्ट का सब्सटेंस यही है कि वो किसी भी कीमत पे लगेगा ही लगेगा। अब टोटल अमाउंट यूजुअली दोनों केस में सेम होना चाहिए। इसका टोटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट से अपने को मतलब नहीं है। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है उससे अपने को लेना देना नहीं है, इनकम से अपने को मतलब नहीं है। फ्रॉम अ प्योरली फाइनेंशियल परस्पेक्टिव द कंपनी वॉन्ट्स योर एडवाइस वेदर टू डिले द रिलीज ऑफ न्यू वर्जन बाय 2 months by when the inventory of existing version would have sold out or to release the new version immediately. Support your advice with relevant figures. Question में क्या है फिर से एक बार समझाता हूं। कंपनी ने दो प्रोडक्ट बना रखा है, क्विक कॉम फास्टर कॉम। क्विक कॉम पुराना है, फास्टर कॉम नया वर्जन है। क्विक कॉम का 5000 डिस्क वगैरह पड़ा हुआ है, फास्टर कॉम का कोई भी डिस्क कभी तक बना ही नहीं है। फास्टर कॉम का डेवलपमेंट कंप्लीट है, ऑब्वियसली क्विक कॉम चालू प्रोडक्ट है तो उसका भी डेवलपमेंट कंप्लीट ही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप फास्टर कॉम को अभी रिलीज करेंगे कि 2 महीने बाद करेंगे। अगर 2 महीने बाद करेंगे तो जो 5000 बचा हुआ है वो कंज्यूम हो सकता है। अगर 2 महीने बाद करेंगे तो जो 5000 बचा हुआ है वो कंज्यूम हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो अभी आपका क्या कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, भले ही पेंसिल से करें कुछ रफ में करें बट कुछ करें और मुझे बताएं, क्विक कॉम्प अभी रिलीज करें कि बाद में रिलीज करें। या ऐसे एक हिंट दे देता हूं, आप ऐसे सोचें, अपना थर्ड अप्रोच में आ जाएं और सोचें कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू रिलीज फास्टर कॉम्प नाउ, बेनिफिट्स लॉस्ट इफ फास्टर कॉम्प इज रिलीज्ड नाउ, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है, फास्टर कॉम्प को अभी रिलीज करें कि बाद में रिलीज करें। तो मैं बोल रहा हूं आप इवेल्युएशन सोचें, इफ फास्टर कॉम्प इज रिलीज्ड नाउ, इफ फास्टर कॉम्प इज रिलीज्ड नाउ, अब सोचें। अमाउंट टोटल में निकाले, टोटल में, पर यूनिट पे इवैल्यूएशन कभी नहीं करेंगे, टोटल में इवैल्यूएशन करें। सोचिए सोचिए करिए, कोई घबराहट की बात ही नहीं है।
कोई आंसर है? कितना नेट नेट क्या आ रहा है? कितना? 500 25 नहीं, 12.5 लाख। फिफ्टी लाख सही जवाब है, 50 लाख। है 50 लाख आएगा, प्योर 50 लाख। कैसे निकाला? कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर फास्टर कॉम्प होगा 4000 करके, फिर ऐड करोगे आप बेनिफिट्स लॉस्ट। क्विक कॉम का बेनिफिट लॉस्ट क्या मानोगे? 2500 वगैरह क्यों देखने चले जा रहे हैं आप? ये इरेलीवेंट है, ये इरेलीवेंट है, ये इरेलीवेंट है, सिर्फ रेलिवेंट पे बात करेंगे ना हम। तो बेनिफिट लॉस्ट है 14000, तो 14 और 4 हो गया 18, और आपका रेवेन्यू है इस ऑप्शन का 19000, तो 1000 पर यूनिट आपका नेट प्रॉफिट है, इंटू 5000 कर देंगे तो 50 लाख आएगा। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, पेज नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट स्टेटमेंट शोइंग नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ रिलीजिंग फास्टर कॉम नाउ पर्टिकुलर्स और अमाउंट। रुपीज इन लैक्स कर सकते हैं आप। कॉस्ट टू बी इनकर्ड to release faster com now, cost to be incurred to release faster com now, उसमें आएगा variable cost। चार हजार इंटू 5000, ये 200 लाख आ रहा है।
एड आ रहा है बेनिफिट्स लॉस्ट, इफ फास्टर कॉम्प इज रिलीज नाउ. Benefits lost if faster comp is released now. It is relevant income lost from quick comp is equal to revenue कितना रेवेन्यू था उसका 14,000 इंटू 5,000 700 लाख 900 टोटल एंड देन दिस इज योर नेट रेलिवेंट कॉस्ट. इसके अगेंस्ट में रेवेन्यू फ्रॉम फास्टर कॉम पाएगा उन्नीस हजार इंटू 5,000 950 50 इज आवर नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट. सो व्हाट विल यू से एज द नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट. As the net incremental profit is positive rupees 50 lakhs, as the net incremental profit is positive rupees 50 lakhs, the company must release the faster comp now. The company must release the faster comp now. Fir note number one. The following costs have been excluded in evaluation, comma, being irrelevant. The following costs have been excluded in evaluation being irrelevant. क्या क्या कॉस्ट छोड़ा हमने? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्विक कॉम्प ये किस लिए छोड़ा? बिकॉज ये संक कॉस्ट है. नंबर टू, डेवलपमेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्विक कॉम्प एंड फास्टर कॉम्प इसको किस लिए छोड़ा? ये भी संक है. नंबर थ्री, क्या नाम था एक और? हाँ,
मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट, ये हाँ कमिटेड कॉस्ट है। ये कमिटेड कॉस्ट है इसलिए इसको भी इग्नोर किया। अब बोलिए कोई क्वेश्चन है इसमें, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है। ओके आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं नोट्स का। कितना नंबर पॉइंट होगा? 9 है क्या? इट्स पॉइंट नंबर 9। लिखिए यूजेस ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग। यूजेस ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग, नंबर वन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये आप करते हुए आ ही रहे हैं अभी तक। नंबर टू मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर, नंबर थ्री मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर, तो अभी मैं आपको सेकेंड और थर्ड सिखाने वाला हूं। इवैल्यूएशन तो आप करते हुए आ ही रहे थे अभी तक, उसका अप्रोचेस भी देख रहे थे, अब मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस ऑफर का सिखाने वाला हूं। सोचो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता एट व्हाट प्राइस फास्टर कॉम शुड बी लॉन्च्ड, ये मान लो नहीं दिया हुआ था, और पूछता एट व्हाट प्राइस फास्टर कॉम शुड बी लॉन्च्ड, हाँ एट व्हाट प्राइस फास्टर कॉम शुड बी लॉन्च्ड, शुड बी मिनिमम व्हाट, मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए? 18। क्यों 18,000? मेरे को 200 और 700 रिकवर करना ही है, करेक्ट? तो 900 रिकवर करना है, 900 लाख डिवाइड बाय 5,000 करते तो 18,000, तो मिनिमम प्राइस शुड बी 18,000। मतलब मिनिमम प्राइस आपका इवेल्युएशन का एक हिस्सा है। हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम प्राइस, कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस बेनिफिट्स लॉस्ट, हो गया। मिनिमम प्राइस इज द नेट रेलिवेंट कॉस्ट, अपना रेवेन्यू छोड़ के जो आपका कॉस्ट आ रहा है उतना आपको मिनिमम चाहिए। ओके आइए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 बोल के लिखिए। मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर, मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर द प्राइस वेयर द कंपनी इज एबल टू रिकवर
द नेट रेलिवेंट कॉस्ट, द प्राइस वेयर द कंपनी इज एबल टू रिकवर द नेट रेलिवेंट कॉस्ट. ठीक है, ऑफ द ऑफर. It is the indifference price. That brings in the same net position with or without offer. It is the indifferent price that brings in the same net position with or without offer. Offer करो न करो, आप indifferent होने चाहिए. जैसे एक example सुनिए ध्यान से. हाँ, minimum price का फैसला एक businessman हर समय लेते रहता है, हर समय. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको यहां पे ही देते हैं. सोचो मेरे पास एक स्टूडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर, आप मेरे को मिनिमम फीस में पढ़ा दीजिए. तो मिनिमम फीस मेरा क्या होना चाहिए, क्या चीज का कॉस्ट, एकदम मिनिमम फीस. सोच के बोलो, एकदम ध्यान से बोलो, एकदम मिनिमम फीस क्या होना चाहिए. हाँ, मैंने बोला नेट रेलेवेंट कॉस्ट. नेट रेलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या आता है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस बेनिफिट्स लॉस्ट. ठीक है, अभी देखो यहां पे एक जगह खाली है ना, यहां पे एक बच्चा को बैठाना चाहते हैं. वो बोल रहे सर मिनिमम फीस आप अपना बताइए तो हम पढ़ पाएंगे. तो मेरे को उससे क्या मिनिमम फीस मांगना चाहिए, क्या चीज का कॉस्ट, मैट का कॉस्ट, बुक्स का कॉस्ट, और क्या कॉस्ट. सिंपल है ना, वही तो चला के मेरे को अलग से बनवाना होगा, बाकी तो सब सजा सजाया है. मैं बोल रहा हूं उसमें एक जन और सुन लेगा, जगह है ही, अलग से कोई मेरे को भाड़ा तो उसके कारण देना नहीं है. कैसे सोचते मिनिमम, वही समझा रहा हूं. बहुत क्विक लेना पड़ता है सब डिसीजन. अब आप बैठ जाइएगा पूरा राम कहानी करने, मेरा तो ये कॉस्ट है, मेरा तो वो कॉस्ट है, मिनिमम सब चीज दो, तो वो फिर मिनिमम क्या हुआ. मिनिमम डजंट मीन द फुल कॉस्ट, मिनिमम मीन्स ओनली द रेलिवेंट कॉस्ट. मिनिमम मीन्स ओनली द रेलिवेंट कॉस्ट. इन जनरल मैं कोट बोलता हूं मिनिमम प्राइस में, आप ऐसा सोचो कि सेवा करनी है, सेवा समझते हैं ना, मेवा नहीं खानी है. सेवा मेवा समझ में आता है क्या, मेवा माने प्रॉफिट, और सेवा करनी है मतलब. हाँ, ये जरूर है कि सेवा में जनरली लोग समझते हैं अपना घर से पैसा लगा के सेवा करो, बट हम वो नहीं करना चाहते क्योंकि फिर बाद में हमें दुख होगा. हम चाहते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर दें, जो चला के मेरा लगे हम बस वही ले लें. समझ में आ रहा है, मतलब फ्री में सेवा नहीं करनी है. सेवा करनी है मतलब फ्री में नहीं करनी, कमाना नहीं है. सेवा करनी है मेवा नहीं खानी है, इसका मतलब क्या है, कमाना नहीं है. कमाई होती है ना, कमाई नहीं करनी है. कमाई माने क्या होते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाना है. बट ये थोड़ी बोल रहे कि लॉस करके सेवा करो, लॉस करके सेवा नहीं करना चाहते हैं. घर से पैसा लगा के सेवा नहीं करेंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए आप घर पे आइडल बैठे हैं
और मैं आपको बोलूं, सुन एक काम कर, संडे को आ जा मेरे यहाँ पे, थोड़ा सा अकाउंट्स वगैरह संभाल दे। अब आपका घर से यहाँ पे आने का अगर 200 रुपया लग जाता है, तो कम से कम आपको कितना मिलना ही चाहिए? 200 मिलना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर अगली बार क्या होगा, ऐसा बुलाएंगे ना बार बार तो आएंगे नहीं आप, यार जाते 200 रुपया लग जाता है, कुछ मिलता तो है नहीं। समझ में आ रहा है? हम ये नहीं चाहते कि आपका सेवा करके आपको दुख हो बाद में, तो इसलिए मिनिमम आपको क्या मिलना चाहिए उसकी बात करें। एंड ये सब वन टाइम का तो बात है ना, इट इज नॉट अ रेगुलर थिंग। हम लोग वर्ड ऑफर यूज करते हैं, ऑफर, ऑफर का क्या मतलब हुआ? ये रेगुलर नहीं है, नॉन रिपीटेटिव है। रोज रोज ऐसे चलाएंगे तो बिजनेस में कहां से चलेगा? ये वन टाइम की बात है, कर दो ना, क्या है? ठीक है, जैसे सोचो एक और इंस्टेंस, एक रेडीमेड शेरवानी बेचने वाला शॉप है, वो संग संग मेजर लेकर भी शेरवानी बनाता है, मेजरमेंट के हिसाब से भी बनाता है। एक एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी क्या हुआ, एक ऑर्डर आया एक दूल्हे राजा का, बहुत पसंद से वो शेरवानी बनवाया। ध्यान से सुनना फैक्ट्स ऑफ द केस, 1 लाख रुपया का शेरवानी पसंद किया, उसका प्राइस 1 लाख रुपया। हम लोगों का मार्जिन उसमें 20% था, 80,000 हमारा कॉस्ट था और 1 लाख में हम बेचने रेडी हो गए थे। हमारे क्लाइंट ने, कस्टमर ने हमें 30,000 रुपया एडवांस दिया था। सिनेरियो क्लियर है? हम लोग कौन है? हम लोग शेरवानी वालों के कंसल्टेंट हैं, आप ऐसा समझ के चलिए। 30,000 रुपया एडवांस मिला हुआ है, 80,000 खर्चा लगने का बात है, 1 लाख रुपया रेवेन्यू आने का बात है। ठीक, 30,000 एडवांस लेके मैंने पूरा शेरवानी बना दिया। एक डिलीवरी टाइम था, दूल्हे राजा आए नहीं लेने। समय निकल गया, फोन करने लगे, फोन उठाए नहीं कोई। महीनों बीत गए, शेरवानी रेडी होके टंगी पड़ी है। समझ रहे सिनेरियो क्या हो गया? पूरा रेडी किया हुआ शेरवानी है, 30,000 रुपया आया हुआ है, कितना रुपया लगा हुआ है? 80,000 लगा हुआ है, 1 लाख आने का बात था। अब ये सारा हिस्ट्री हो गया। ठीक, इतना महंगा शेरवानी था तो सोचे चलो विंडो डिस्प्ले में लगा देते हैं, कोई देखेगा तो अंदर आएगा, इस बहाने ब्रांडिंग तो होगा, किसी को पसंद आ गया तो वही वाला ले ले। तो कई महीनों बाद एक ग्राहक आया, वो बोला सर वही वाला शेरवानी चाहिए। कई महीनों बाद तो अंदर में मन में लड्डू फूट गए हमारे, विवाह चलो आज ऊपर वाले ने सुनी है। कई महीनों बाद कोई मिला है जो यही शेरवानी चाहता है, तो भाई हम लोग का सेल्समैनशिप क्या बोलता है? अरे वाह, अरे बाबू को बैठाओ 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 बैठाओ, चलो दूल्हे राजा को शेरवानी पहनाओ, दिखाओ कैसा है। बट वो पूछ रहा है सर कितने का है? अरे रुकिए ना, कितने का है, पहनाइए इसको, पहले पहनाओ 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 इनको, देखो कैसा है, फिटिंग आएगा तो बात करेंगे ना, पहले देखिए कैसा लग रहा है पहन के। वो भी इतरा रहे हैं और ये भी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, एकदम पूरा पब्लिक आप ही को देखेगा, सब सालियां आपको ही घेर के खड़ी रहेंगी। सेल्समैनशिप में गजब गजब डायलॉग होता है ना, उन लोग का भी एक ट्रेनिंग होता है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त डायलॉग बोलते हैं। अरे सर मस्त लग रहे हैं आप, क्या बताएं, आप लाखों में एक लग रहे हैं, मतलब लग रहे है कोई उमेदपुर से आया है, कोई राजा बाजा लग रहे हैं, एकदम कुंवर साहब लग रहे हैं। तो ये सब बोल के उसको चढ़ा देना है। अब लास्ट में वो पूछेगा ही ना, अच्छा कितने का है? नहीं, कितने का क्या है, आप बताइए आपका बजट क्या है, आपके बजट के हिसाब से आ जाएगा, आपके बजट का ये, आप चिंता मत करिए कि कितने का बोल देंगे तो उसका इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा ना, क्या पता वो उतना बड़ा बजट लेके नहीं आओ फिर भी। अरे भैया अब ठीक है, सब अच्छा है अच्छा है, अब देखिए तो यहाँ से कैसा है, वो सब नौटंकी चल रहा है। वो पूछ रहे भैया कितने का, अरे आपके बजट में आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, आपका बजट का चीज है। फिर लास्ट में वो खोल दिया भैया और बोला अब बताइए तो सही कितने का है।
आपका बजट क्या है? बोला मेरा बजट तो 15,000 है। अब सोचिए जो उस दुकानदार का हमारा जो स्टाफ वगैरह है वो लोग का हंसी छूट गया होगा। हो गया बाबू का पोपट हो गया। उनको भी तो मालूम है लाख का शेरवानी है। अब देखो बिजनेसमैन का एक्यूमेन क्या होता है, वो थोड़ी कोई बोलता है चलो पैकअप भाई जी जाओ दूसरों दुकान में देखो, ऐसे थोड़ी भेजते हैं। जिसको समझ में आया हो ना कि यार ये पड़ा पड़ा मेरे लिए हेडेक है, तो हम ये फिर चांस जाने नहीं देंगे। मेरे को लगेगा कि मेरे को ये सोचना है कि मैं इसका करूंगा क्या, फिर ये भी अगर चला जाएगा हाथ से तो इतना दिन से तो ये टंगा हुआ था, जगह रोका हुआ था, एक हेडेक दे रहा था, इसका करूंगा क्या। तो हम लोग थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे, ये 15 में तो नहीं आएगा, ये चीज अलग है, बजट बढ़ाइए आप तो सोचते हैं कुछ। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि जाओ 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 पैकअप, थोड़ा बोलेंगे उसको बजट बढ़ाओ, ये चीज अलग चीज है, ये कोई बाजार में आपको नहीं दे सकता ऐसा, तो थोड़ा बजट बढ़ाइए। देखिए ऊपर में जाए तो चीज तो अच्छा ही है, पहले उसका इंटरेस्ट समझना होगा ना, चीज तो अच्छा ही है। देखिए मेरा 25 से ज्यादा का कोई गुंजाइश नहीं, ये मेरा आखिरी है। अब देखिए जो स्टाफ लोग है ना वो लोग डिसीजन नहीं ले सकता है, वो लोग सोचेगा नहीं नहीं, नहीं 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 देना चाहिए, बट जो मालिक है वो उसका दिमाग में हर समय रेलिवेंट कॉस्टिंग चलता है। वो क्या सोचा हुआ, उसके पास सारे फैक्ट्स है ना, पुराना कितना लगा हुआ है इसमें 80, कितना आया हुआ है उसको गिन के मतलब नहीं है, उसको सोच के मतलब नहीं। अभी ये शेरवानी के ऊपर वो सोच रहा है कि क्या कॉस्मेटिक चेंजेस करना पड़ेगा जिससे कि इसको फिट आ जाए। ठीक है, कैलकुलेशन किया तो वो कॉस्मेटिक चेंजेस या ऑल्टरेशन वगैरह 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि एकदम फिट शेरवानी है इसके हिसाब का। 4,000 रुपए खाली मेरे को खर्चा करना है, एकदम इसके हिसाब का बन जाएगा। और ये बंदा अपने को कितना देने रेडी है, 25। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को यानी शेरवानी वाले को मिनिमम से मिनिमम कितना मिल जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम कितना मिल जाए तो उसको ये शेरवानी देने में कोई दुख नहीं होगा। आंसर इज 4,000, मात्र 4,000। ये 4,000 ही तो चला के लगा रहे हैं ना, बाकी तो लगा हुआ ही है पुराना। वो नहीं आता तो भी तो वैसा ही है, आज एक कस्टमर चला जाएगा तो भी तुम वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। 4,000 भी दे देता है तो हिसाब बराबर ही है, बट अगला मेरे को कितना दे रहा है, 25 दे रहा है, 25 दे रहा है। हम थोड़ा और उसको बार्गेन करेंगे, उसको और नेगोशिएट करेंगे, थोड़ा और कोशिश करेंगे वो और बढ़ा ले। देखिए और मतलब या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ना क्रॉस सेलिंग का, अच्छा शेरवानी छोड़िए उसके बाद ये भी तो जूता भी तो लगेगा आपको, आपको फेटा भी तो लगेगा आपको, ये भी तो दुपट्टा भी तो लेना होगा, वहां पे कुछ कुछ कमाना शुरू करेंगे। ठीक है, और देखिए कुर्ता लीजिए, और भी लीजिए, ये भी लीजिए, वो भी लीजिए, देख रहे कि बेटा ये यहाँ पे ऊंचा नहीं कर रहा ना, दूसरा जगह हम डबल वो डबल करना शुरू करेंगे। हमारा तो कोई MRP टैग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जो पसंद आ जाए उसका ही दाम ज्यादा है, सिंपल थ्योरी है। वही होता है ना ये सब मार्केट में, जो पसंद आ जाए उसका दाम ज्यादा है। तुम वहां से कोशिश करेंगे और आइए और भी किसी का लीजिए, और भी किसी का लीजिए, कर करके हम अपना इस पर्टिकुलर पर्सन से पुराना सारा रिकवर ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरे को 4,000 भी मिल जाए तो मैं इंडिफरेंट हूं, और ये 25,000 दे रहा है तो मेरे लिए 21,000 तो पुराना का रिकवरी है, पुराना का रिकवरी है। अगर आप ठीक से सोचे कि अगर ये शेरवानी लेने नहीं आता तो हमारा क्या कॉस्ट लगा हुआ था, 80, क्या रेवेन्यू आया हुआ था, 30, तो क्या नेट लॉस मांड रखे हैं, नेट लॉस मान रखे हैं, और मारवाड़ी में बोलते मांड रखे, ठीक है 50,000 मांड रखे। अब अगर ये शेरवानी ले लेता है तो मेरा कॉस्ट 80,000 है, चला के ऑल्टरेशन करना होगा उस पर 4, पुराना रेवेन्यू आया हुआ ये 30,
मिनिमम प्राइस सोचते वक्त कैसे सोचते हैं, हमेशा ये सोचना विदाउट और विथ का सिनेरियो में आपका नेट पोजीशन सेम रहना चाहिए, इनडिफरेंस्ड होना चाहिए। मान लीजिए कि इसके आने से आपको कोई और फायदा नहीं कमाना है, सेवा करनी है, कमाई नहीं करनी, दे दो, ठीक है, तो आपको 4000 भी मिल जाए तो हिसाब बराबर ही है ना। आप देखिए 84 और 84 मैच हो जाएगा, तो 4000 इज योर मिनिमम प्राइस दैट यू कैन ऑफर। मिनिमम प्राइस हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मिनिमम प्राइस में देना है, मिनिमम प्राइस सोच रहे हैं, देना है कि नहीं देना वो आपका चॉइस है। आप सेवा करना चाहते हो कि आप कमाना ही चाहते हो, वो आपका चॉइस है। सामने वाला 25 ऑफर कर रहा है और आपका मिनिमम अगर 4 है तो आपको लगेगा ना 21 सरप्लस ही आ रहा है मेरे पास। हम मिनिमम प्राइस इसलिए नहीं निकाल रहे कि मिनिमम पे देना ही है, वो देना नहीं देना आपका चॉइस है, बार्गेन करिए आप, बट आपका कैलकुलेशन तो है कि 4 भी मिल जाए तो मैं खुश हूं, मेरा हिसाब बराबर ही है। उसके बाद जो सरप्लस दे रहा है वो सरप्लस है मेरे लिए, अगला 25,000 दे रहा है तो आपका तो नेट लॉस कम होने वाला है। पुराना नेट लॉस आप 50,000 सोच के रखे, वो लॉस आपका 21,000 से कम हो जाएगा। बिजनेसमैन ऐसे सोचता है। अगर यही वो इमोशनल हो जाए यहां पर कि यार कहां 80 लगा हुआ है, तो 80 तो मिनिमम चाहिए, तो रखा रखिए इसको टांग के, कोई उपाय नहीं है। कब आएगा वैसा कोई ग्राहक मालूम नहीं है आपको, आपको रोलिंग में कमाना है। और ये तो रोज रोज नहीं करना ना, ये तो वन टाइम चीज है। रेलेवेंट कॉस्टिंग हम लोग हमेशा ऑफर्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं, वन टाइम प्रोग्राम के लिए, ऐसा एक बार कर लेंगे। अब एक बार इसको पहना देंगे, अब इसका कोई छोटा भाई का शादी है वो भी आ जाएगा, फिर बोलेगा मेरे को तो वही शेरवानी चाहिए और वो 25,000 में चाहिए। भैया जाइए, वो उस समय आपके लिए मौका था, आपको दे दिया, अभी आएंगे तो लाख रुपये लगेगा, दे दिया अलग बात है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मिनिमम प्राइस में एक है कि अगर आप मिनिमम प्राइस में अभी इवेल्युएट करके ऑफर एग्जीक्यूट कर देते हो तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस उसका खाली एक ही रहता है कि बाद में कस्टमर का एक्सपेक्टेशन रह जाता है कि अगली बार भी आप उतना में ही दो। तो वो चीज आपको क्लियर करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन में रखना चाहिए। देखिए इस बार आपके लिए हो गया, अगली बार ऐसा कोई भी लेने आ जाए, कोई भी मार्केट में इसको किसी और से भी आप बनवा लीजिए, आप पूछ ही लीजिएगा ये चीज इतना का है ही नहीं। बस वो आपका, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये दूसरा दूल्हा के लिए बनाया था वो भाग गया तो आपको चिपका रहे हैं, ये बोलने से तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ले लेगा। तो बस अब आपके संजोग में आ गया ऐसा करके बोल के उसको पहना देंगे। समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू नो वी थिंक इन अ बिजनेस एंड इट्स ऑल रेलिवेंट कॉस्टिंग। इट हैज टू बी वेरी फास्ट, वेरी क्विक। इफ यू डोंट थिंक फास्ट यू विल लूज बिजनेस, वो कस्टमर तुरंत चला जाएगा। अगर ये इरेलीवेंट चीजों से सोचना शुरू करोगे आप स्लो डाउन हो जाओगे, कस्टमर उतना वेट ही नहीं करने वाला, कस्टमर तुरंत मुंह पे पूछ रहा है बोलो हाँ कि ना, तो हाँ ना ही तुरंत बताना है, तो मुझे रेलिवेंट चीजों पे ही सोचना होगा, जो पुरानी चीजें उन पे सोचना बंद करना होगा। ठीक है, तो आप यहां पे और एक लाइन लिखिए, द नेट प्रॉफिट With or without offer to be kept same to compute the minimum price of an offer. That is at minimum price, the change in profit or incremental profit is, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इज जीरो। मिनिमम प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपना जीरो है।
हो गया। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। एक लाइन और आप लिख सकते हो, मिनिमम प्राइस का शॉर्ट प्रेजेंटेशन में यू कैन से इट इज कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस बेनिफिट्स लॉस्ट। कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि वो लोग बोल देंगे आपको एक प्रॉफिट परसेंट भी मिनिमम प्राइस में इंक्लूड करो, तो अगर बोला हो तो इंक्लूड कर देना, नहीं तो प्रॉफिट कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। इफ इट इज आस्क्ड टू इंक्लूड प्रॉफिट मार्जिन, देन ओनली इंक्लूड। इफ इट इज आस्क्ड टू इंक्लूड प्रॉफिट मार्जिन देन ओनली इंक्लूड। और क्या क्या एक्सक्लूजन्स है मिनिमम प्राइस में? संक कॉस्ट एंड कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन इट्स कैलकुलेशन। Sunk costs and committed fixed costs are not included in its calculation. Question 5 में आ जाइए। A small scale manufacturer produces an article at the operated capacity of 10,000 units, while the normal capacity of the plant is 14,000 units, working at a profit margin of 20% on sales realization. ध्यान से पढ़ें, operated capacity कितना है इनका? 10,000, मतलब अभी 10,000 यूनिट ही बनाते हैं। वाइल द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 14 तक जा सकता है, वर्किंग एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल्स ही हैज फॉर्मुलेटेड हिज बजट एज अंडर। सो 10,000 यूनिट्स और 14,000 यूनिट्स का सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है। देखो तो सेल्स 2,00,000 पे 20% लगाओ, करो 40,000, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करो। अरे पढ़िए पढ़िए, मेरे साथ करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई बोल रहे भाई, क्यों सुस्त क्यों रखे हैं? 2,00,000 का 20% कितना हुआ? 40। कॉस्ट कितना हुआ? 160। मैच हो रहा है क्या तीनों मिला के? नहीं हो रहा। मैं क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? किसी को क्लिक कर रहा है? यहां तो टोटल आ रहा है 110 और आप बोल रहे कॉस्ट आ रहा है मेरा 160। तो 160 और 110 मैच क्यों नहीं हो रहा? 50,000 का कहां शॉर्टफॉल आ रहा है? इसमें संक कॉस्ट का कोई बात ही नहीं है। यही इस सम का ट्रिक है, मैच नहीं हो रहा भाई साहब। खाली ओवरहेड से तो दिया हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ ओवरहेड्स आता है क्या? और क्या आता है?
मटेरियल लेबर तो नहीं दिया हुआ है जिसको आप प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं, तो बचा हुआ प्राइम कॉस्ट होगा। सोचिए कितना एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है? तो अटेंशन दीजिए, प्राइम कॉस्ट कितना हुआ इसमें, 50,000, तब जाके हिसाब मिलेगा। बैलेंसिंग फिगर प्राइम कॉस्ट है, ठीक है? मतलब प्राइम कॉस्ट एक यूनिट का कितना हुआ, 5 रुपया। अच्छा एक मिनट सोचो, तो इधर से भी वर्किंग करेंगे तो प्राइम कॉस्ट एक यूनिट का 5 रुपये ही आएगा क्या? अरे हाँ कि ना करके देखो। 280 में से 20%, 56 माइनस करिए, 224 में से तीनों माइनस करिए, 92 डिवाइड बाय 14,000 करिए, मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा? क्यों मैच नहीं हो रहा? इसका कारण है, यूनिट ज्यादा है तो मैच क्यों नहीं हो रहा? पर यूनिट तो मैच होना चाहिए, टोटल में तो अमाउंट ज्यादा ही आएगा, पर यूनिट तो मैच होना चाहिए। यहां 5 आया तो वहां पे भी 5 रुपए के हिसाब से 70,000 आना चाहिए। 92 आया ना आपका, क्यों आया? सेमी वेरिएबल है, चलो पास है आप। पहला इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि 20% मार्जिन आपका दोनों पे सेम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड भी है और सेमी वेरिएबल का भी एक फिक्स्ड पोर्शन होगा। ज्यादा वॉल्यूम होने से रेट गिर जाएगा, अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड तो सेम ही रहता है ना, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रेट गिर जाना चाहिए, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाना चाहिए। इसी को तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। एक कंपनी जो 10,000 बनाएगा और एक कंपनी अगर 14,000 बनाएगा तो कौन ज्यादा कमाएगा? रेट ऑफ प्रॉफिट किसका ज्यादा आएगा? 14,000 वाले का ज्यादा आएगा। क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कि उतना ही फिक्स कॉस्ट पे वो ज्यादा अगर यूनिट्स बना लेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो यू कैन नॉट अज्यूम 20% मार्जिन इज सेम फॉर बोथ द वॉल्यूम। ये अजम्पशन ही रॉन्ग है, बिकॉज यहां पे फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट है। फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट नहीं होता तो फिर बात अलग था, खाली वेरिएबल कॉस्ट होते तो मैच होता ही होता। ये प्रॉफिट नहीं होके कंट्रीब्यूशन होता तो मैच होता ही होता। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो ये सब बेसिक्स है, ये कहीं किताब में नहीं लिखा मिलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग वगैरह किसी भी चैप्टर में आपका इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है? ये सब कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, इसी को डिस्कशन से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसको हम सम्स में आपको क्या सिखाएं, लिखा के कितना बताएं, ठीक है? तो पॉइंट इज, ये 20% आपका दोनों पे लागू नहीं है। अब दोनों पे लागू नहीं है तो किस पे लागू है ये बताइए। 10,000 वाला पे सोचे कि 14,000 पे सोचे? क्यों 10,000 पे सोचे? क्योंकि वही ऑपरेटेड कैपेसिटी है। तो एज्यूम करेंगे कि ये 20% 10,000 से ही जुड़ा हुआ है। 14,000 पे वो मार्जिन कितना होगा हमें नहीं पता। हम ऐसा बोलेंगे हमें नहीं पता, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं, ठीक है? 14,000 पे मार्जिन हम लोग को अलग से वर्कआउट करना पड़ेगा। मतलब वो कैसे होगा? ये प्राइम कॉस्ट 50,000 आके यहाँ पे 70 बन जाएगा, प्लस ये तीनों कॉस्ट जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को सेल्स का परसेंट बनाएंगे तो मार्जिन का परसेंट नया निकाला जा सकता है। बट यू कैन नॉट हैव 20% इन बोथ द केस, ठीक है? निकाला जा सकता है, आपको ये यहाँ पे सेम करके इसी रेट से चेंज करके बाकी टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट सेल्स निकाल लेना है, ओके? और दूसरा चीज देखो, वेरिएबल ओवरहेड है, एनालाइज करो। पहले सेल्स को एनालाइज करो, 2,10,000 रेट क्या हुआ, 20, यहां पे रेट क्या हुआ, 20, वेरिएबल ओवरहेड का रेट देखो 5, यहां पे रेट क्या हुआ 5, सेमी वेरिएबल ओवरहेड इसका रेट नहीं निकालते ऐसे, 2, इसका ब्रेकअप लेते हैं। कैसे लेते थे याद है क्या? करिए कितना आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड, कितना आ रहा है चेंज इन ओवरहेड बाय चेंज इन यूनिट्स, कितना हुआ, 0.5 हुआ,
2000 बाई 4000 फिक्स कितना आएगा उसमें? 0.5 × 10000 इज 5000, 20 − 5 इज 15000। फिक्स्ड ओवरहेड तो सेम ही रहेगा, इसका तो रेट देखने का जरूरत नहीं है। नाउ 10000 हमारा ऑपरेटेड कैपेसिटी है, हमारे पास 14000 तक का अवेलेबल कैपेसिटी है, ये क्वेश्चन में अभी तक दिया हुआ है और हमने क्वेश्चन में सारे कॉस्ट का एनालिसिस कर लिया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, ही गेट्स एन ऑर्डर फॉर अ क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द ऑपरेटेड कैपेसिटी, माने कितना यूनिट्स का, कितना यूनिट का ऑर्डर आया, टोटल कम नहीं बात हो रहा है, क्वेश्चन को ठीक से पकड़िए। देखो आप लोग का टेस्टिंग हो रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है, आपको यह सिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन का चित्रा करके कैसे पढ़ा जाता है। हम ऐसे नहीं कि रीड करके बस चले गए और बस लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं, एक एक चीज को पकड़ते हैं हम। पिछले सम में भी आप देखिएगा एक एक फिगर पे कमेंट लिखा था मैंने, उस पेशेंस को लाइए, हड़बड़ाइए नहीं। ही गेट्स एन ऑर्डर फॉर क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ ऑपरेटेड कैपेसिटी, मतलब क्या हुआ, अरे कितना यूनिट्स का ऑर्डर है, 2000 का, 2000 ही सुनना है मेरे को। एंड इवन ऑन दिस एडिशनल प्रोडक्शन प्रॉफिट मार्जिन इज डिजायर्ड एट द सेम परसेंटेज ऑन सेल्स एज फॉर प्रोडक्शन टू ऑपरेटेड कैपेसिटी, चला के बोला है तो ठीक है उतना ही लेना है। अज्यूमिंग प्राइम कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अब प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था तो प्राइम कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से आया था, उसको कॉन्स्टेंट मान लेना आप। वॉट शुड बी द मिनिमम प्राइस टू रियलाइज दिस ऑब्जेक्टिव, तो इन दिस मिनिमम प्राइस वॉट यू विल कंसिडर, वॉट आइटम्स ऑफ कॉस्ट यू विल कंसिडर, 2000 यूनिट का एक एक नाम बताइए, नाम बताइए, वेरिएबल कॉस्ट बोले तो कौन कौन सा कॉस्ट, हाँ प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पार्ट, दैट्स इट, जो भी आएगा फिर उस पे प्रॉफिट लेना है, फिक्स ओवरहेड्स को छोड़ देना है, मिनिमम प्राइस में फिक्स्ड ओवरहेड्स को छोड़ देना है। अच्छा कुछ नहीं बोले फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में तो वो कमिटेड है कि अवॉइडेबल है, अभी जैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं फिक्स कॉस्ट के बारे में, वो इनडायरेक्टली दिखा तो दिया ना, 40 का 40 ही है, मतलब ये कमिटेड ही है। सेमी वेरिएबल में दोनों केस में 15-15 मैच हो रहा है तो कमिटेड ही है। तो आपका मिनिमम प्राइस का वर्किंग में हम लोग इररिलेवेंट कॉस्ट को नहीं ले रहे हैं, हम लोग संक कॉस्ट को नहीं ले रहे हैं, कमिटेड कॉस्ट को नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ चला के जो खर्च लगेगा वो ले रहे हैं, प्लस प्रॉफिट बोला लेने तो ले रहे हैं, नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं लेते। हमारा चला के जितना खर्च लगे, एक ही शब्द है खाली, चला के जितना लगे वही आपको मिनिमम प्राइस में लेना है। ठीक है आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना नंबर है ये, 5। पेज नंबर आप अपने आप लिखिए। नोट नंबर 1 फटाफट लिखो। द गिवन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 20% ऑन सेल्स, द गिवन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 20% on sales is applicable only on the current operated capacity दस देखिए 10,000 यूनिट्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द करेंट ऑपरेटेड कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स द प्रॉफिट परसेंट ऑन 14,000 यूनिट्स
वुड बी क्या बोलते हैं, हायर और लोअर? हायर, वाई? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? दैट इज लोअर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. दैट इज लोअर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. नोट टू, एनालिसिस ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट चेंज इन टोटल ओवरहेड बाय चेंज इन यूनिट्स. चेंज इन टोटल ओवरहेड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना है? चेंज इन ओवरहेड 22 माइनस 20 2000 बाय 14 माइनस 10 0.5. फिक्स्ड ओवरहेड 22 माइनस 14000 इनटू 0.5 रुपीज 15000. नोट थ्री, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट. सेल्स इज इक्वल टू कितना है? दो लाख लेस प्रॉफिट, पहले लेस करिए 20% ऑन 2 लाख 40. कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 160 लेस वेरिएबल ओवरहेड 50, सेमी वेरिएबल ओवरहेड 20, फिक्स्ड ओवरहेड 40. सो द रिजल्ट इज कमिंग 50,000. दिस इज प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इज 50,000 बाई 10,000. ₹5 पर यूनिट. प्राइम कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू स्टेटमेंट शोइंग मिनिमम प्राइस फॉर द ऑर्डर ऑफ 2000 यूनिट्स. Particulars and amount. Particulars and amount. So prime cost ले लीजिए आप.
पर यूनिट पे भी दिखा सकते हैं आप, 5 रुपया। कैसे आया 5 रुपया? 50,000 बाई 10,000 किया तो रेट आ गया ना 5, ऊपर में किया ही था हमने। नोट नंबर कितना है? 3। फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड का कितना रुपया करके आएगा? क्वेश्चन में देखो, ये भी 5 ही है, 50,000 बाई 10,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट नोट 2 से 0.5, और क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ये टोटल आ गया 10.5। अगर प्रॉफिट मार्जिन का बात नहीं करता तो यही आंसर हो जाता। एड प्रॉफिट कितना बोला वो? 20% ऑन सेल्स, मतलब क्या हुआ? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट यानी 10.5 पे 25% करिए, 2.625। आई होप ये तो आपको पता ही है ये कैसे आता है, नहीं पता है तो अलग से मिल के पूछ लीजिएगा। 13.125 मिनिमम प्राइस। सर आप बोले मिनिमम प्राइस में सेवा करनी है फिर प्रॉफिट क्यों कमाएं? वो हो सकता है ना, ये प्रॉफिट इंटरेस्ट वगैरह रिकवर करेगा, कोई वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा होगा उसका इंटरेस्ट होगा, वो भी इन डिसगाइज कॉस्ट ही हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये प्रॉफिट भी कॉस्ट के रूप में ही होगा, ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा केस होता है। एक और बस नोट लिख के रख दीजिए कि वी डू नॉट इंक्लूड कमिटेड कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग मिनिमम प्राइस। हमारे यहां पे दो था, एक फिक्स पार्ट ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्वेश्चन में कैसे पता चला है कमिटेड है? दीज वेयर कमिटेड बिकॉज द अमाउंट वॉज सेम, बिकॉज द अमाउंट वॉज सेम इवन एट 14,000 यूनिट्स। These were committed because the amount was same even at 14,000 units. एक opposite theory है इसका, maximum price। मैं आपको कुछ भी नहीं intro दे रहा, answer is change। Maximum is also construed as the change, difference। अब वो क्या चीज का डिफरेंस, किस दो चीज को माइनस करना है कुछ नहीं बता रहा, बस आपको अगला क्वेश्चन ट्राई करने दे रहा हूं। आप घर पे ट्राई जरूर करके आइए, कुछ एनालिसिस करके लाइए, समझ के आइए। क्वेश्चन नंबर 6, सर ने कुछ नहीं सिखाया है अभी तक का, जितना अंडरस्टैंडिंग है उससे समझिए। एग्जाम में अगर ये 6 नंबर आ जाता तो आप कितना हाथ पैर चलाते वहां, वो देखना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू। नाम बोल के जाइए, नाम बोल के जाइए। स्नेहा, क्या फिर से बोलिए? स्नेहा खिरवाल, नंबर याद रखिएगा 35। और कोई को हड़बड़ है? 43।
एक मिनट, श्रेष्ठा कमर, अमृता, अंकित मुंद्रा, हिरल, नेहा, निधि धानुका, नेहा हिम्मत सिंह का, नेहा नहीं है, प्रशांत अग्रवाल, अंशु रानी, मेघा गुप्ता, श्रुति शाह, प्रकाश, प्रतीक्षा मिश्रा, अनु शर्मा, सृष्टि अग्रवाल, रोहित वर्मा, ट्विंकल मरोड़िया, शुभ्रजीत, फर्स्ट क्लास छूटा हुआ आपका, आए थे, अदनान, आसिफ अली, गंगा अग्निहोत्री, अनुपमा कुमारी, राहुल शर्मा, ईशान सराफ, रौनक अग्रवाल, आयुषी जैन, प्रिया रटावा, शिवांगी, कृष्णा कानोडिया, हर्षित, संजित, प्रिया सिंगी, शैली जैन, निशांत आनंद, जीत केसरी, हर्ष खेतान, अनीता पसारी, कमल कांत, सौरभ चौधरी, दिग्विजय, सुमित अग्रवाल, अंतिमा, अमन कुमार, अभिजीत साव, देवांगी बोस, सूरत सिंह, निखिल जायसवाल, खुशबू लाहोटी, रश्मित कौर, सृष्टि सोनी, विकास प्रकाश, साहिल अग्रवाल, शुभम शाह, ऋषभ जूही, आशीष शुक्ला, निधि धानुका, संयम सेठिया, आपका फर्स्ट छूटा हुआ है क्या? कर लिया था, कैसे किया? उसमें कंप्यूटर में, कंप्यूटर में किया था कि शाम को किया था? मतलब फ्लेक्सिबल में किया। नूतन वर्मा, कोमल शर्मा, अमल प्रेम राजन, आपका भी फर्स्ट छूटा हुआ है? अब किया नहीं ना भी फर्स्ट क्लास। विवेक वर्मा, मधु राय, जॉय कृष्ण, संदीप, सिद्धार्थ, श्रीनिवास, साधना, सोहम, रूबी, ट्विंकल शर्मा, अंकिता दास, कृष्णेंदु, अमन अग्रवाल, श्रुति कटारुका, ज्ञानेंद्र, आभा, धीरज, इंद्रानी, पराग, प्राची बायती, राधिका, रितुपन, अश्विनी, विश्वजीत, जाहिद, नवदीप, रिक, कामिनी, आकृति पोदार, केशव, रिंकी शॉ, सार्वनी, प्रीत, मनीषा, मृन्मय, खुशाली, कोटक भी मारवाड़ी होते क्या? तो गुजराती होते हैं। नहीं, वही कॉम्प्लीट।